खूबसूरत आंखों में मस्ती, हिमाचल से है ये खूबसूरत सी लड़की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस अलीशा पनवर की, जिन्होंने तारा बनकर हर किसी का दिल जीता। वही अब वो बिग बॉस 14 में आग लगाने आ रही। ऐसी खबरें आ रही है कि अलीशा भी इस शो का हिस्सा होंगी। चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में। अलीशा पनवर का जन्म 7 मई 1996 में शिमला में हुआ था। उनकी माँ का नाम अनीता पनवर है, जो शिमला के एक स्कूल में टीचर है, और पिता का नाम दिनेश पनवर है, जो एक लॉयर है। उनकी एक बहन है जिनका नाम आरुही है। अलीशा ने लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल शिमला से स्कूलिंग की है। वहीं कॉलेज शिमला के जाने माने कॉलेज सेंट बीट से बीकॉम की। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई बार शिमला में ऑडिशन में भाग लिया। शिमला क्वीन का टाइटल जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कई टीवी कमर्शियल्स में काम करना शुरू किया। महज 12 साल की उम्र में डीडी नेशनल के रियलिटी शो नाचे गाए धूम मचाए में उन्होंने हिस्सा लिया था। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो 2012 में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो फिल्म में नजर आई थी। इसके बाद 2015 में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई। पॉपुलर शो बेगूसराय से उन्होंने शुरुआत की थी। अलीशा को इस सीरियल में मुस्लिम लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला। इस सीरियल में उनकी एक्टिंग को सराहा गया, जिसके बाद उन्हें कलर्स के ही सीरियल थपकी प्यार की में थपकी की छोटी बहन का किरदार निभाने का मौका मिला। इसके अलावा जमाई राजा, रिश्तों की सौदागर, बाजीगर, इश्क में मरजावा, लाल इश्क, मेरी गुड़िया जैसे शोज में भी वो नजर आए। हिमाचल की बेटी अलीशा पनवर ने छोटे पर्दे पर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वो कई शोज में एज अ गेस्ट और म्यूजिक वीडियो खामोशियां में भी नजर आ चुकी। अलीशा को उनके काम के लिए कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपको बता दें, बिग बॉस 12 में अलीशा ने घर के अंदर एंट्री ली थी और कंटेस्टेंट्स को अलग अलग टास्क दिए थे। अलीशा के आने से घर का माहौल बदल गया था। वहीं अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अलीशा बिग बॉस 14 में घर में क्या धमाका करती है।